सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जन्म और मृत्यु अब महंगे हो गए हैं। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाते हैं या दिल से ही उतर जाता है। कमल तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। आज का पंचांग 5 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सम 7:04 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 1:10 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:10 से 4:38 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर सुबह 8:17 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कन्या राशि पर ही रहेंगी। सिंह राशि 5 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार, कार्यस्थल अभी आपके लिए अवसर का स्थान है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दूसरे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। अच्छी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कई अच्छे काम करने पड़ते हैं और इसे खोने के लिए केवल एक बुरा काम ही काफी है। धन संबंधित निर्णय लेने के लिए अभी समय सही नहीं है, इसलिए अपनी पुरानी योजनाओं का भी पालन करें। आज आप भावनात्मक रूप से अकेले और निराश महसूस करेंगे। हम में से बहुत से लोग प्रतिष्ठा की कमी से नहीं हारते बल्कि इसीलिए हारते हैं क्योंकि लक्ष्य का बोध ही नहीं है। असंभव काम अचानक होने से खुशी मिलेगी। व्यक्तिगत कामों का खुलासा ना करें। कोई भी काम चुपचाप करने से आपको सफलता भी मिलेगी। घर के बुजुर्गों का सम्मान भी करें। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद होने की आशंका बन रही है। रिश्तेदारों से और जिन लोगों के साथ प्रॉपर्टी शेयर की जाती है उनके साथ संबंध अच्छे बनाए रखें। घर में क्लेश से बचें। जो लोग लॉ क्षेत्र से जुड़े हैं या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनको अपनी क्षमता के अनुसार फल प्राप्त होगा। पार्टनर को एक दूसरे के साथ बिताया समय आनंद देगा। सावधानियां, अपनी महत्वपूर्ण चीज और दस्तावेजों को संभाल कर रखें। इस समय उनके खोने या चोरी होने जैसे आशंका बन रही है। किसी वजह से बजट बिगड़ने से उनका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी बेवजह तनाव व चिड़चिड़ापन का असर आपके घर परिवार पर भी पड़ेगा। संबंधों को बेहतर बनाकर रखने से घर की व्यवस्था भी उत्तम रहेगी। चाहत में आगे बढ़ने से पहले सोच ले कि आपके लिए प्यार या पैसों में से किसकी अहमियत अधिक है। इसके बाद ही अपने दिल की बात को जुबा पर लेकर आए। याद रखें रिश्ते में निवेश आपके साथी के काम में व्यस्त होने के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। आप यदि फिलहाल सिंगल हैं और किसी के जीवन में खास जगह बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई आपका ख्याल रखे तो आपको प्यार की कला सीख लेनी चाहिए। आज के दिन आपको उस खुशबू से भरी ठंडी हवा से मिला देगा जिसका इंतजार आप कब से कर रहे हैं। आज आपको सरकार और संबंधित एजेंसियों से कोई शानदार प्रस्ताव मिल सकता है जिसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। व्यवसाय में जोखिम लेने से बचें और नए तकनीकों के प्रयोग से पहले नवीनतम मांगों का ध्यान रखें। आज युवा के लिए नई परियोजनाओं का शुरू होना भी आपके कार्ड्स में है। आज आपकी बनाई गई योजनाओं और नीतियों पर अड़े रहें और कोई भी नया निर्णय ना लें। व्यापार में लाभ पाना चाहते हैं तो सोच समझ कर निवेश करें। धन को कैसे प्रयोग करना है इस बारे में पहले से ही विचार कर लें। दिन हमेशा एक समान नहीं, इसीलिए बुरे दिनों के लिए भी धन बचाएं। बात करते हैं सेहत की। गैस एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। कुछ समय योग और मेडिटेशन करने से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी।
महिलाओं को अपनी इम्यूनिटी बढ़ने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आज का उपाय, आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।